चंदन क्यारी प्रखंड के बोरियाड़ी गांव में लगभग 300 साल से धूमधाम के साथ मां काली की पूजा हो रही है। जहां मां काली की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करते हैं, वहीं गुरुवार को वर्ती मां काली की उपासना रखकर तालाब से काली मंदिर तक जमीन पर दंडवत प्रणाम करते हुए काली मंदिर प्रांगण तक पहुंचकर मां काली से मन्नत मांगकर प्रणाम करते हैं। वहीं रात भर पूजा अर्चना के साथ ही बकरे की बलि होती है। इस अवसर पर एक सप्ताह का मेला भी आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की जाती है। इस दौरान पूर्व मुखिया एवं समाज सेवी देवाशीष सिंह ने कहा कि मां काली यहां जो भी श्रद्धालु पहुंचकर अपनी मन्नत को मांगते हैं, मां काली सभी श्रद्धालुओं की मन्नत को पूरा करती है। इसलिए यहां दूर दराज से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। यहां ब्राह्मणों के द्वारा बंगाली रीति रिवाज से पूजा अर्चना की जाती है। यहां मां काली की मंदिर लगभग 300 साल पहले स्थापित की गई थी, यानी अंग्रेजों के शासनकाल से पहले से यहां मां की पूजा होती आ रही है। सिंह वंशज के साथ साथ ग्रामीणों ने भी इस पूजा को देखा है। इस अवसर पर मुखिया प्रियंका सिंह ने कहा कि मां काली की पूजा एवं दीपावली एक साथ होने के कारण मंदिर में ग्रामीणों की भीड़ रहती है। हर साल पूरा परिवार यहां मां काली की पूजा अर्चना करता है। पंचायत के साथ साथ सारा संसार की सुख समृद्धि की मनोकामना करता है। इसके अलावा चंदन क्यारी पश्चिम पंचायत में भी धूमधाम के साथ मां काली की पूजा अर्चना की जाती है। आपके यहाँ आज दिवाली में मेरे पंचायत वासी अपने गांव वासियों को दिवाली की बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत ही बधाई देती हूँ। और आज मां काली की भी पूजा है हमारे गांव में। हमारे गांव में ये पूजा 300 साल पुराना चला आ रहा है, हमारे पूर्वज इसे चलाए आ रहे हैं और हमारे गांव के सभी लोग सहयोग करते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक ये पूजा हमारी बीतती है। आज पहला दिन है, आज से लेकर 7 दिन प्रोग्राम होगा, पूजा चलेगी। तरह बच्चों का प्रोग्राम होता है, छो नृत्य होता है, गीत संगीत होती है, सब बहुत ही जागरूक होकर ये पूजा में सहयोग करते हैं। गाँव वासी, हमारे पंचायत वासी सब लोग आते हैं और माँ में बहुत शक्ति है। हमें पूर्ण विश्वास है माँ पे, हमारा जो भी परेशानी है, जो भी यहाँ के लोग अपना मानसिक करते हैं वो माँ जरूर पूरा करती है। और हमारे गांववासी लोग को हमेशा यही मैं कहती हूँ कि ये पूजा जिस तरह चला रहा है उससे भी अच्छा आप सहयोग करें और ये पूजा को और आगे बढ़ाएं। और दिन ब दिन ये आगे बढ़ रही है और मैं चाहती हूँ कि और भी प्रोग्राम बढ़े और सभी लोग सहयोग करें। और अपने पंचायतवासी को मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। हैप्पी दिवाली, माँ काली की जय हो। माँ काली का पूजा ये कितना दिन से चल रहा है किसी को पता नहीं। यहाँ पर जो पूर्वज था बाबू लोग था, काली प्रसाद सिंह का नाम पर अभी भी पहला दिया जाता है। काली प्रसाद सिंह वही आदमी है जो बाबू लोग का लास्ट वंश था, लास्ट वंश। उसके बाद उसका कोई नहीं, खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग को जो जमींदारी मिला तो हम लोग इसको चला रहे हैं। ये बड़े लोगों का फैमिली या सम्राट सिंह का फैमिली चला रहा है। और एक पूजा कितना दिन का है कोई किसी को है? हम लोग के सामने तो दो बार इसका संस्कार हुआ है माँ काली का। और इस ये जो देवस्थान है समरसदा का, तो बहुत हर काली पूजा में समरसदा का आना ही था। दो तीन बार नहीं आया है लाइफ में, हम लोग जो देखे हैं, हमारा भी करीब 79 ईयर हो रहा है, कभी देखे हैं कि समरसदा एबसेंट किया है। तीन बार किया था, एक बार निशा में जब अरेस्ट कर नहीं आया पाया था और एक बार कोई कारण में जेल में था, लेकिन उसमें भी वो सेटिंग किया था कि हम जेल से भी जाएंगे, जिला से भी सेटिंग किया था। हमारा बाबूजी बोल नहीं ऐसा मत करो, कहीं तुम्हारा अपोजिशन जो है कहीं फोटो वोटो लेगा, तुम भी जाएगा जेलर भी जाएगा। और जिस साल दादा देहांत किया उसके अगले साल आया। यह किस विधि विधान के तरह होता है? ये तो महाकाली शक्ति का आराधना होता है। ये आपको शास्त्रीय ये क्या बोलते हैं उसको शक्ति रूप में पूजा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बलिदान पसा होता है। काफी पठा उठा जो बकरा होता है बलि होता है, जो बंगाल का जो परंपरा है उस हिसाब से पूजा। काफी लोगों की देख रहे हैं यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हाँ, भक्तों की तो भीड़ लगी रहती है, और माँ को माँ के पास जो जो मांगा है मिला है। जो श्रद्धालु जो भी मन्नत करके आते हैं, हाँ, उसको मन्नत को पूरा करते हैं। धन्यवाद।